आज सीबीएसई 2020 की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी 2 मार्क का क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में, और जिसमें मोस्टली 2 पार्ट होंगे। तो हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ज़िनॉन F4 दिया है। जनरली बच्चों एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का होता है और ये पी ब्लॉक में इनर्ट गैस वाले से आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको निकालने का फॉर्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला है, ज़िनॉन से 4 फ्लोरीन अटैच है, तो हमने 4 लिख लिया, प्लस ज़िनॉन के बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होते, ठीक है ना, माइनस हमेशा आएगा, एक फ्लोरीन पर 1 चार्ज होता है, तो 4 पर कितना हो जाएगा 4। अब मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं तो हमने 0 लिख दिया और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। तो अब इसमें 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लॉन पेयर हो गए, तो टोटल सम बच्चों कितना हो गया, टोटल सम हो गया 6 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 और sp3d2 में अगर 2 लॉन पेयर हों तो उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो 2 लॉन पेयर से हमको 1 नंबर मिलेगा और इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर लिखने से हमको 1 नंबर मिलेगा बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन में क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड एज। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और ये आरिनियस इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हमें इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन तो कहता है कि अगर हम लॉग के और 1/T में ग्राफ खींचे तो कितना आएगा, लॉग के और 1/T में ग्राफ खींचे तो कितना आएगा। तो हमने इस इक्वेशन का लॉग लिया तो ये नेचुरल लॉग है, और जब नेचुरल लॉग को हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया। अब ये हमसे कहता है लॉग के में ग्राफ खींचो, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा लॉग के, ओके। और लॉग एक कांस्टेंट है तो ये इंटरसेप्ट का काम करेगा। 1/T में ग्राफ खींचेंगे तो बच्चों फिर इसका जो स्लोप आएगा वो आप देख सकते हैं, इसका स्लोप इतना आएगा, कितना, इसमें से हमने टी तो निकाल दिया, ठीक है ना, टी निकाल दिया तो कितना होगा, ये हो जाएगा, मैं इसको मार्क करके बता देता हूँ आपको, ईए बाई 2.303 और पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप, इसलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ईए 2.303 आर। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम, अब जो एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर LNK में ग्राफ खींचाए तो फिर इसका आंसर हो जाएगा EA बाई R, और अगर लॉग के में खींचा है तो इसका आंसर हो जाएगा EA 2.303 R। LN के साथ में कभी भी 2.303 नहीं आता है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। हमारे पास दो रिएक्शन है और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 और EA2 दे रखी और उनकी वैल्यू ये दे रखी। अब वो हमसे पूछता है किसका वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बच्चों ईए में और के में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जिसकी ईए कम होती है उसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होता है और जिसकी ईए ज़्यादा होगी उसका रेट कांस्टेंट कम होगा, इसलिए के ए वन हायर होगा के ए टू से। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है और वो क्वेश्चन क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों रिएक्शंस में किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट उस रिएक्शन पे ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से K2 ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा K1 के कंपेरिजन। तो हम चलते हैं 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन में ये हमसे क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर मास फॉर व्हाट सब्सटेंसेस ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू।
किस सब्सटेंस का मोलर मास उसकी ट्री वैल्यू से कम होगा जब हम उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो बच्चों मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो अगर जिसके पार्टिकल बढ़ जाएंगे मतलब टूट जाएगा तो उसका मोलर मास कम आएगा, और अगर कोई अटैच हो जाए आपस में कंडेंस हो जाए डाइमर ट्राइमर बना ले तो ज़्यादा आएगा। तो अब ये कह रहा है कम आएगा तो कब आएगा, ये आएगा जब कोई पार्टिकल टूट जाए। तो जब हम KCl को लेंगे तो KCl क्या होगा, टूट जाएगा, टूट कर ये दो आयन्स बनाएगा, एक K प्लस और एक बन जाएगा Cl माइनस, ठीक है। तो इसने दो आयन्स दिए, एक को हम कैटायन कहेंगे दूसरे को एनायन कहेंगे। तो जब भी किसी में आयन्स बढ़ जाएं, ठीक है ना, तो उसका मोलर मास अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आएगा, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल वो कहता है कि जिसमें कोई चेंज नहीं आए, तो वो चेंज नहीं आए तो उसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होता है। ग्लूकोज के साथ में दूसरा आंसर हो सकता है यूरिया भी, यूरिया भी सिंगल पार्टिकल की तरह ही बिहेव कर सकता है, और तीसरा आंसर सुक्रोज भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोज यूरिया और सुक्रोज इसके तीन आंसर हो सकते हैं। अब हम चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने देखा कि Cl2 और P को देखकर हमें पता लगा कि ये HBZ रिएक्शन है जो एसिड में काम आती है, और HBZ रिएक्शन में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन को निकालकर अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर Cl लगा देते। तो हमने देखा 24 क्वेश्चन में क्या हुआ, 24 क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो इसको देखते ही हमें पता लग गया कि HBZ रिएक्शन है, तो हमने इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर Cl लगा दिया और अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। हम चले सेकेंड क्वेश्चन के इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इस रिएक्शन को देखते ही हमें पता लगा कि ये रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है, और रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में ये जो COCl है इसकी जगह पर हम CHO पार्ट लगा देंगे, ठीक है ना, तो हमारा बेंजल डिहाइड बन जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। हम चलते हैं 25 क्वेश्चन को। अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन को हमें देखने से पता लगा कि वो कहता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और अब ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमर्स दिखाएगा। ज्योमेट्रिकल में एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो अब वो हमसे कहता है इसका ऐसा आइसोमर्स बनाओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कौन सा, ट्रांस, ठीक है ना। तो मैं आपको, और फिर उसका आयुपिक नेम भी लिखो, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ट्रांस आइसोमर्स है, और ट्रांस आइसोमर्स वो होता है जिसमें Cl या कोई भी ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर हो, ठीक है ना, ये अपोजिट हो। तो अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही मिरर इमेज मिलेगी, इसलिए इसकी मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब हमने देखा इसका आयुपिक नेम कैसे लिखेंगे। हम इसमें देखते हैं EN दो बार प्रेजेंट है और क्लोरीन भी दो बार प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोरीन का नाम पहले आएगा, तो हमने लिख दिया डाई क्लोरो क्लोरिडो, क्योंकि EN एक ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए दो बार है, तो हमने इस ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए दो बार के लिए बिस लगा दिया। और EN का आजकल NCERT में नाम है ethane 1,2-diamine, इसको हम इथाइलीन डायमीन भी बोलते हैं, ये मोर स्पेसिफिक है ethane 1,2-diamine। तो हमने लिगेंड का नाम भी लिख दिया। अब हमने देखा मेटल कौन सी है, मेटल इसमें प्लैटिनियम थी, तो हमने प्लैटिनियम मेटल लिख दी। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं टू चार्ज तो है ही,
और दो क्लोरीन और आएंगे, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 4 आयंस। नहीं तो बच्चों आप ध्यान रखो, जब भी टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या नेगेटिव है तो हम आयंस भी लगाएंगे। हम इसके आगे अगर इसका नाम लिखने को कहता तो ट्रांस भी लिखते। तो हम चलेंगे अब 26 क्वेश्चन की तरफ। हम डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और वाला। इसमें वो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहा है जो है कोवाल्ट NH3+3। इसको देखकर हमें पता लगा कि कोवाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो जो भी चार्ज है वो कोवाल्ट का है। कोवाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर में कॉन्फिगरेशन 3d6 और 4s0 होता है। हमने 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देख सकते हैं, आप फिलअप कर दिया, ठीक है, और इसकी s और p ऑर्बिटल बैकेंड थी। क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 6 अमोनिया के लिए 6 बैकेंड ऑर्बिटल चाहिए, और हमारे पास 1, 2, 3, 4 थी और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमने इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 3d में पेयर्ड हो गए और हमारे पास 6 ऑर्बिटल बैकेंट हो गई। अब इन 6 ऑर्बिटल में हम 6 अमोनिया को अटैच कर देंगे। तो जब हमने 6 अमोनिया को अटैच कर दिया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2d लगी तो d2, ठीक है ना, एक S लगी तो S, और 3 P लगी इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2SP3, ठीक है ना। और ये सिस्टमेटिक नंबर भी दिए हुए हैं कि कितने के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर हम यहाँ तक आ गए तो आधा, यहाँ तक आ गए आधा, फिर अगर हम आगे आ गए तो आधा, ठीक है ना। अब क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर sp3 d2 sp3 की वजह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर दिखाएगा। अब हम चलेंगे 26 की तरफ। हम डिस्कस करते हैं 26 का एक पार्ट, ए पार्ट, व्हाट इज मींस बाय वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग से आप क्या समझते हैं? वेपर फेज रिफाइनिंग का मीन्स होता है इट इज़ ए रिफाइनिंग मैथड इन विच मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू वोलाटाइल कंपाउंड, जिसमें हम मेटल को वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं एंड कलेक्ट एलसवेयर एंड देन डिकम्पोज इंटू प्योर मेटल। और इस मेथड से हम दो मेथड हैं, एक को मॉन्ट प्रोसेस कहते हैं, दूसरे को वॉन ऑर्कल मेथड। तो आप देख सकते हैं निकिल की रिएक्शन जब हमने CO से कराई तो हमें निकिल टेट्रा कार्बोनिल मिल गया जो गैसियस नेचर का होता है, और जब हम इस गैसियस नेचर के इस NiCO4 को दूसरी जगह कलेक्ट करके हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये हमें वापस से निकल दे देता है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही टाइटेनियम की रिएक्शन जब 2I2 से करते हैं तो हमें TiI4 मिलता है, और जो ब्रेक करने पर टाइटेनियम प्लस आयोडीन देता है। दूसरा, इसमें क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है कि कौन सी टेक्निक है और इसकी इक्वेशन दो, तो हमने उसकी इक्वेशन यहाँ दे दी है। इस तरह हमें इस पूरे क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहता है राइट एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में जो रिएक्शंस होती हैं वो लिखो। तो ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है तो हमें इसकी रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी और लिखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ इसकी। गोल्ड एक नेटिव मेटल है। नेटिव मेटल का मींस है कि ये फ्री स्टेट में मिलती है, तो इसमें से इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए हम गोल्ड की रिएक्शन KCN या साइनाइड से कराते हैं। KCN और साइनाइड 2H2 और एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका फॉर्मूला है AuCN ट्वाइस और ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज प्लस 4OH या KOH, अगर हम यहाँ पर K ले लें तो। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है गोल्ड का, उसकी रिएक्शन हम जिंक से ही कराते हैं। जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है तो गोल्ड को रिप्लेस कर देगा, तो जिंक तो कॉम्प्लेक्स बना देगा और प्योर गोल्ड फ्री हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ क्वेश्चन भी करते हैं कि हम जिंक की क्यों लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सी मेटल रिएक्टिव हो सकती है, बट जिंक के साथ एक खास बात है, ये रिएक्टिव भी है प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो बाद में जो जिंक बचती है उस जिंक को हम हीट करके
एलिमिनेट कर देते हैं तो गोल्ड प्योरीफाई हो जाता है। हम चलते हैं 27 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कौन सा कहता है कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस पहले देगा। हाइड्रोलिसिस या रिएक्शन से इसमें कोई मीन्स नहीं, इसका मेन फोकस होना चाहिए SN1 रिएक्शन में। बच्चों SN1 रिएक्शन वो पहले देता है जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो या जो बल्कि हो। अगर आपको कुछ नहीं आता कार्बोकेटाइन तो जो बड़ा कंपाउंड होगा वो SN1 पहले देगा। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, इससे क्या बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और इससे बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर इसमें रीअरेंजमेंट हो भी गया तो सेकेंडरी बन जाएगा। तो बच्चों ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ये जल्दी से SN1 रिएक्शन देगा क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा है। और कुछ नहीं आता तो जो कंपाउंड ज़्यादा बल्कि होता है वो SN1 रिएक्शन पहले देता है। तो मैंने आपको सेक्शन बी सॉल्व कर दिया है। अगले वीडियो में मैं सेक्शन सी और डी सॉल्व करूँगा, तो आप देखते रहें सेक्शन सी और डी के लिए मेरी वीडियो, ठीक है ना, जो मैं कल पोस्ट करूँगा।